दोस्तों कहते हैं तनख्वाह से ज्यादा काम मनुष्य को देवदूत की जमात में ले जाता है। जी हाँ, आज बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्म अनुशासन की शक्ति, जिसमें लेखक बताते हैं विजेता और पराजित में आधारभूत अंतर होता है। विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। जीवन में सार्थक चीजें प्राप्त करने के लिए लगन के इम्तिहान में उत्तीर्ण होना पड़ता है। इस इम्तिहान में विपत्ति अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के आती है। यही पता चलता है कि आप किस मिट्टी के बने हो। यही वह अवसर होता है जब स्वयं और समाज को अपनी सच्ची चरित्रिक शक्ति और सफलता को संकल्प प्रदर्शित किया जाए। ट्रेसी बताते हैं विपत्ति अनिवार्य है, स्वरूप अलग हो सकते हैं। प्रश्न है प्रभावी प्रतिक्रिया की क्षमता पर। हमें लगता है मैं ही क्यों, क्योंकि अच्छी से अच्छी योजना अक्सर सुराग छोड़ जाती है। अतः कहते हैं अफसोस के दलदल में ना फंसें। याद रखें आप किस्मत के मारे या दुर्भाग्य के शिकार नहीं हैं। हम में से हर कोई व्यस्क है और अपने जीवन के प्रभारी हैं। दूसरों को दोष देने या बहाना बनाने से इनकार कर दें, क्योंकि तब हमारी व्यक्तिगत शक्ति कम हो जाती है। इसके लिए लेखक बताते हैं कि इसकी स्वागत करें और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ का नारा दें। क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है के बजाय समाधान पे ध्यान केंद्रित किया जाए। हर विपत्ति मूल्यवान सबक देती है, अतः इसे खोजें। विपत्ति से असफल लोग किस्मत को दोष देते हैं और सफल लोग भविष्य की मूल्यवान सबक की खोज। नॉर्मन विंसेंट पी कहते हैं ईश्वर जब हमको उपहार भेजती है तो समस्या लपेट कर। वैसे नेपोलियन कहते हैं हर समस्या के भीतर समान या अधिक बड़े लाभ का बीज छुपा होता है। हमारा काम ही है सिर्फ खोजना। वैसे समस्या मुझे वह छोटी सी कहानी याद दिलाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जापान के दो बड़े शहरों की एटॉमिक अटैक की योजना बना रहे थे। तत्काल दो बड़े अमेरिकी अधिकारी ने कहा यह संभव नहीं, क्योंकि हमारे फाइटर प्लेन में जापान से लौट कर आने की ईंधन क्षमता नहीं। यही बात दो से चार बार बोले जाने पर तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट उठ खड़े हुए और कहा क्या अब संभव है, असफलता का विकल्प ही मौजूद नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट दोनों पैर से अपाहिज थे। जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों द्वारा कितनी बार गिराए गए, सारा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार दोबारा उठे और अपने जीवन के आत्मसम्मान अनुशासन और लगन के ऊर्ध्वगामी चक्र पर पहुंचे। फलस्वरूप आप प्राकृतिक शक्ति की तरह अजय बन जाते हैं, जहां सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों लगन एक आत्म अनुशासन है जो हमें इंस्पायर करती है। दोस्तों तो इसके दूसरे भाग में व्यवहारिक क्षेत्र में अनुप्रयोग सीखेंगे। इसके लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दूसरे वीडियो के लिए हमें इंस्पायर करें। धन्यवाद।